स्टार्ट हो गया है और बच्चे घर पर ही है पूरे टाइम, तो उन्होंने इस टाइम टॉयज वगैरह सब कुछ इधर उधर चला रखा है। बहुत ही मैसी और बहुत ही खराब हो रहा है रूम का हाल, तो मैंने कॉर्नर ले लिया है अभी। और इस टाइम हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ फटाफट से, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे रूम की क्लीनिंग भी करनी है। तो आज जो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ वो बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं उसे। वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आपको मुश्किल से मुश्किल आई थिंक 5 मिनट का टाइम लगेगा उसे बनाने में। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक नैपकिन बिछा लिया है जिससे जो भी गंदगी है वो ना आए। और यहाँ पर जो मैंने केला लिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ है, क्योंकि इसमें हम यदि थोड़ा ज़्यादा पका हुआ केला लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। यहाँ पर मेरे पास है दूध जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है बिल्कुल, और मैंने ये ले लिया है मिक्सी का जार। 1 कप है मेरे पास मैदा, आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं सेम, या फिर आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैदे से टेस्ट पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, अच्छा लगता है वो खाने में। वैसे आप हाफ हाफ भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पका हुआ केला है, इसको मैंने 1 कप दूध में, जितना हम फ्लावर ले रहे हैं उतना ही हम दूध ले रहे हैं, और इसको हमने अच्छे से मिक्सी में मैंने अभी इसको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर ये जो मैंने मैदा लिए है इसको अभी छानेंगे हम। इसमें ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, पहले मैं निकाल लेती हूँ, ये है मेरे पास बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालूँगी बहुत ही, 1 चुटकी भर। और जो हमारा टीस्पून होता है लगभग आधा टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी। इसको हमने छान लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। यदि आप थोड़ा मीठा चाहते हैं तो 3-4 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर केला भी पका हुआ लिया है तो नहीं डाल रही मैं। और जो देसी घी है वो भी डाला है मैंने यहाँ पर लगभग 3 चम्मच, बच्चों के लिए देसी घी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसमें अच्छे से डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं यदि चाहें तो। आप इसमें जो हमने बनाना और दूध का जो मिक्सचर बनाया है उसको ऐड कर लेंगे। पहले हमने थोड़ा ऐड किया था जिससे इसमें कोई भी बबल ना पड़े। आप चाहें तो बलून बिस्क से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आप इसमें जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है दूध और बनाना वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दिया है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा चुटकी भर ही है, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये रेडी हो गया हमारा बैटर, और आई थिंक बस चीले का बैटर जैसा रेडी करते हैं उतनी ही देर लगती है इसमें भी। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं कि वो एकदम फ्लोइंग है, ऐसा नहीं है कि गाढ़ा है। आप इसको चम्मच से डालकर देखेंगे तो ये पतला ही है। यदि आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और भी मिला सकते हैं। इसमें हमें घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस घी मैं इस पर लगा रही हूँ कि पैन हमारा थोड़ा सा हम जब हीट करें तो वो ठीक रहे, तो मैंने बस थोड़ा सा घी लगाया है पैन को हीट करने के लिए। और जब आपका तवा हल्का सा गर्म हो जाए, आप चेक कर लीजिए हाथ लगाकर, मैंने जैसा कि ऊपर से हाथ से टच करके नहीं, सॉरी, मतलब ऊपर से हाथ लगा कर आप देख लीजिए कि गर्म है तवा, तब डालिए आप इस पर, और ये बहुत जल्दी ही सिक कर रेडी हो जाते हैं। ये दूसरी साइड से तुरंत ही आपको लगभग 1 मिनट के अंदर ही दिखेगा कि ये कुछ गोल्डन हो गए। और इसे बनाने के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप इसे नॉन स्टिक तवे पर, या फिर जो आजकल पत्थर वाले तवे आते हैं जिसको हम सेरेमिक के तवे बोलते हैं, इस पर बनाइए तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इस पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, वो बहुत इजीली बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे
बनाना केक रेडी हो गए हैं। अभी हम इनको साइड से रखेंगे क्योंकि और भी है। अभी आगे से हल्का सा गोल्डन कलर कम लग रहा है तो मैं एक बार और हल्का सा कर लेती हूँ जिससे गोल्डन कलर अच्छा हो जाए इसका। और यहाँ पर मैंने लिया है आज पाइनएप्पल, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स भी ले सकते हैं या फिर ऑरेंज ले सकते हैं। ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है इस पर, ऑरेंज का जो पल्प होता है। और जो हमारे एक्स्ट्रा बैटर है उससे भी हम केक तैयार कर लेते हैं। तो ये रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए ही है तो मैं पूरी तरह से बच्चों के लिए ही तैयार कर रही हूँ। जैसे कि मेरे बच्चों को पाइनएप्पल काफ़ी पसंद है तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर ये है मेरे पास डॉक्टर ऑर्थो का चॉकलेट स्प्रेड, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये लगा देती हूँ मैं एक साइड अच्छे से। इसके ऊपर ही मैंने लगा दिए हैं पाइनएप्पल के पीसेस और बस इसको कवर कर। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, हर्सीज का है ये मेरे पास और ये एकदम रेडी है। अब देखते हैं बच्चे इसको कैसे स्वाद लेकर खाते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं। तो ये बच्चों को काफी अच्छा लगता है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए।